नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। राहुल गांधी गलत नहीं, न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कोई गलती नहीं, वो अपनी जगह सही हैं। राहुल गांधी देश की जनता के दिलों में बसते हैं, लेकिन न्यायालय के निर्णय पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। शनिवार को हमीरपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले पर सुक्खू ने कहा कि बेशक न्यायालय ने राहुल को दोषी ठहराया हो, लेकिन जनता के दिलों में राहुल की अलग पहचान है। मूसलाधार बारिश के बीच हिमाचल के 7 जिलों में रेड अलर्ट, पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने को कहा। हिमाचल प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से हिमाचल प्रदेश में 8 व 9 जुलाई के लिए बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। इसको देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी गई। 10 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ। पूरे प्रदेश में 14 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। शनिवार दोपहर को जारी ताजा मौसम पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिले के लिए बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। दलाई लामा बोले, चीन मुझसे संपर्क करना चाहता है, तिब्बत की समस्याओं पर वार्ता के लिए मैं भी तैयार। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत की समस्याओं को लेकर वे खुले तौर पर चीन के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। चीन ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। धर्मगुरु ने कहा कि अब चीन को तिब्बत के लोगों के साहस का एहसास हो गया है, इसलिए तिब्बत की समस्याओं का समाधान करने के लिए चीन के नेता मुझसे संपर्क साध रहे हैं। दिल्ली लद्दाख जाने से पहले दलाई लामा ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत की। जयराम ठाकुर बोले, माफिया से त्रस्त होकर हिमाचल से पलायन कर रहे उद्योग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार में माफिया तंत्र सक्रिय है। प्रदेश में अराजकता का माहौल है। राज्य से कई बड़े उद्योगों ने पलायन करने का अल्टीमेटम दिया। इसमें 3 बड़ी कंपनीज भी शामिल हैं। इन उद्योगों से जुड़े लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। निर्माणाधीन पुल का डंगा गिरा, जिले में पानी सिंचाई की 57 योजनाएं ठप, 30 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। शनिवार सुबह नाहन की विक्रमबाग पंचायत के मंढेरवा गांव के लिए निर्माणाधीन पुल का पूरा डंगा अचानक ध्वस्त हो गया। पहले ही इस पुल का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चलने की वजह से लोगों को आज तक इसका लाभ नहीं मिल पाया, जबकि मारकंडा नदी इस समय उफान पर है। लाहौर में बाढ़, मनाली लेह मार्ग बंद, ट्रेन की विद्युत लाइन पर गिरा पेड़, कई जगह भूस्खलन। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में बारिश का क्रम जारी है। लाहौल के जुंडा नाले और तेलिंग नाले में बाढ़ आने से मनाली लेह मार्ग बंद हो गया। रोहानी नाले के पास भूस्खलन होने से रोहतांग मार्ग बंद हो गया। सड़क मार्ग की बहाली के लिए सीमा सड़क संगठन की टीम जुटी हुई है। रोहतांग पहुंचे वाहनों को वाया कोकसर अटल टनल से वापस मनाली की ओर भेजा जा रहा है। भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए श्रीखंड महादेव यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए कठिनतम धार्मिक यात्राओं में शुमार कुल्लू जिले की श्रीखंड महादेव यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उपायुक्त कुल्लू एवं श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने शनिवार को बताया कि श्रीखंड महादेव यात्रा को 9 व 10 जुलाई 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश के अलर्ट पर पार्वती बाग से आगे रास्ते के क्षतिग्रस्त हो जाने के चलते लिया गया है। हाईवे पर दरक रही पहाड़ियां, कसौली में 2 भवन गिरने की कगार पर, 3 खतरे की जद में। मूसलाधार बारिश से पहाड़ियों पर भूस्खलन के बाद मकान खतरे की जद में आना शुरू हो गए। कसौली के दोची गांव में बारिश से किमू घाट चक्की मोड़ सड़क के निचली ओर मिट्टी खिसक जाने से 5 मकानों को खतरा पैदा हो गया। इसमें 2 भवन 50 मीटर तक धस गए, जो किसी भी समय जमींदोज हो सकते हैं।
निजी बहुतकनीकी संस्थानों को एक भी छात्र नहीं मिला, सरकारी में 171 सीट भरी। सूबे में चल रहे 8 निजी बहुतकनीकी संस्थाओं में लीट 2023 के लिए पहले चरण की काउंसलिंग में एक भी अभ्यर्थी ने प्रवेश लेने की इच्छा नहीं जताई। इस कारण संस्थानों में सीट पूरी तरह से खाली रही। सूबे के निजी बहुतकनीकी संस्थानों में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर के अलावा सिविल इंजीनियरिंग में कोर्स करवाए जाते हैं। दूसरी पुण्यतिथि पर वीरभद्र सिंह को किया याद, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। कांग्रेस पदाधिकारियों ने पार्टी मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वीरभद्र सिंह राजनीति के संस्थान थे, उनकी छत्रछाया में प्रदेश के कई नेता बने। प्रदेश में 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह लोगों के दिलों में राज करते थे। भारी बारिश के बीच रेल मोटरकार पटरी से उतरी, सभी यात्री सुरक्षित, ट्रेन सुनी लेट। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक पर शनिवार को भारी बारिश के बीच शिमला से कालका जा रही रेल मोटरकार पटरी से उतर गई। हादसा रेलवे स्टेशन कोटीगुमन रेलवे स्टेशन के पास हुआ। रेल मोटरकार के पटरी से उतर जाने के बाद से सभी ट्रेन देरी से चल रही हैं। रेल मोटरकार में 14 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि जैसे ही रेल मोटरकार पटरी से उतरी, चालक ने ब्रेक लगा दिया। टमाटर के बाद मसालों के दाम बढ़े, हरी सब्जियों के साथ प्याज भी होने लगा महंगा। बरसात में टमाटर के बाद अब मसाले महंगे हो गए, साथ ही प्याज के दाम भी बढ़े। इससे रसोई का बजट बिगड़ गया। बरसात में महिलाएं आम का अचार डालना पसंद करती हैं। इस बार मसालों के बढ़ते दामों ने उनको परेशानी में डाल दिया। हिमाचल में पहली बार भरे फल सब्जियों के सैंपल, कीटनाशकों का स्तर जांचेंगे। हिमाचल में पहली बार फल और सब्जी के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए। इसकी शुरुआत मंडी शहर से हुई। यहां खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी वर्षा ठाकुर ने फल और सब्जी के 4 सैंपल जांच के लिए भरे। बाहरी राज्यों से रेत बजरी लाने पर लगेगा टैक्स, नियम तैयार, कैबिनेट में जाएगा मामला। बाहरी राज्यों से रेत बजरी लाने पर प्रदेश सरकार टैक्स वसूल करने जा रही है। उद्योग विभाग के खनन विंग इसके लिए नियम बना रहे हैं। विंग की ओर से इस मामले को आगामी कैबिनेट की बैठक में ले जाया जाएगा। हिमाचल की सीमाओं पर लगे बैरियर पर विंग के कर्मचारी तैनात होंगे। पिकअप से लेकर बड़े मालवाहक वाहनों से अलग अलग राशि वसूल की जाएगी। टैक्स 1000 रुपए से ज्यादा हो सकता है। इससे हिमाचल में बाहरी राज्यों की रेत बजरी महंगी मिलेगी। हिमाचल के किसी भी कोने से रेत बजरी लाने पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।